जय सभी श्री को जय माता श्री माता जी, जी, जय श्री माता जय जी, श्री माता जय श्री माता जी, जी। जय श्री स्वागत है माता आप सभी जी। का। चल रहा है होमवर्क, भीतर ही भीतर वाला चल थोड़ा है कुछ रहा है। वाह, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, बिना होमवर्क के कुछ बात बनेगी नहीं। अंतर देखा है होमवर्क करने और ना करने में, रियलाइज किया? अभी, बस भीतर से यही संस्कार के पीछे ही जैसे पड़ गया है। अंदर से कोई है जो देख रहा है, बस इसको देखो, इसी को पार लगाना है, ऐसे करके छोटा हाँ ये छोटा तो वो है, लेकिन ये सोचते डिफरेंस रहते। दिखाई देता है, डिफरेंस। हाँ, अब टेकन गया एंटेड वाला, इसकी जो होता है ना, आता है ना, तो बड़ा खिन्नता आ जाता है खुद से, क्या चीज? क्योंकि हम लोगों को घर बैठे मिल रहा है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद में ही कोई कहता है कि टेकन गारंटेड तो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा कोई है है जो कोविड का? मतलब तुम्हारी आवाज समझ। ऐसे करके कि हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग टेकन गारंटेड ले लेते हैं। हाँ है ही, अब ये नहीं तो फिर एक सप्ताह नहीं हुआ, फिर आएंगे सब कलेक्टिव होंगे, ठीक हो जाएगा सब। तो ये वाला चीज आज अंदर से कोई आवाज आती है कि ये चल रहा है क्या, नहीं कुछ किया तो ये कोई बोलता है अंदर कोई बोलता है, किसी ने बोलना शुरू कर से दिया अंदर। खुद वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो, आप सब लोग एक काम करें, आंख खुली है ही, कनेक्टेड फील कर रहे हैं? फील कर रहे हैं कनेक्टेड है? एस्टेब्लिश करी कनेक्टिविटी, अगर नहीं है तो। या कहां कहां पे इंडिकेशन आ रहे हैं कनेक्टिविटी के? हाँ बताओ कहां कहां आ रहे हैं कनेक्टिविटी के इंडिकेशन। हृदय सहस्त्रार और सहस्त्रार, मध्य हृदय और मूलाधार। अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल भैया, फील हो रहा है। और विशुद्धि में नहीं आ रहा? विशुद्धि विशुद्धि में तो कुछ आना होगा या नहीं? खिंचाओ, आ रहा है ना? हल्के हल्के खिंचाओ विशुद्धि विशुद्धि में, में बाकी हल्की हल्की मूलाधार खिंचाव है। सस्त्रार तो जी। और जब ये सब हो रहा है तो हृदय में क्या कह रहा है? हृदय क्या कहता है हमारे? ये कनेक्टिविटी फील हो रही है सब जगह। सेंट्रल हार्ट में क्या कम्युनिकेशन आ रहा है इस वक्त? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू आर गेटिंग? बिल्कुल शांत होकर देखो। हृदय हमें क्या बताना चाह रहा है?
हार्ट में फील हो रहा है भैया, लेफ्ट हार्ट में ठंडा आ रहा है ठंडा वंडा नहीं पूछ रहा जी। मैं पूछ रहा हूं मध्य हृदय हमें क्या कह रहा है। ठंडे गर्म की तो बात खत्म हो गई क्योंकि कनेक्टिविटी आ गई, बात खत्म। असली चीज क्या है कि कम्युनिकेट कर रहा है क्या कुछ हमारे को, हमारा हृदय कुछ बताना चाह रहा है। भैया फिर से कह रहे कि तुम शांत हो जाओ, वननेस को आओ और पूरी तरह से डिटैच हो जाओ। एक्चुअली आज सुबह से बहुत खराब खराब न्यूज सुन के ना सारा दिन मैं उन चीजों से पता नहीं अटैच रही हूँ। तो अभी जब बैठी हूँ ना तो एकदम से पता नहीं उसी का असर था कि एकदम से अंदर यही कम्युनिकेशन आया कि तुम शांत हो जाओ, डिटैच हो जाओ। बहुत सुंदर। कुछ कुछ सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग आएगा, अपनी भैया अपनी मुझे ढंग में। आया जैसे क्या प्रियंका? जैसे यही रास्ता है, बस अंदर से एक आवाज आई, यही रास्ता चल रहे हैं, चलना है ऐसे बस है। कैसे आया नहीं बोला, रास्ता और चलना एक साथ ऐसे कम्युनिकेट हुआ, यही रास्ता है चलना। और किसी के आया? भैया अंदर मेरे से हृदय यही में आ रहा आया है कि भैया हम कि बस यही गहराई है और चलते चलो, गहराई में चलते चलो, अंदर ही अंदर चलो, जितना चलना है अंदर ही अंदर चलो। ठीक है। और किसी के, और कोई बताइए। सब एक साथ चल रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन हमारे लिए इंडिविजुअल कमांड भी आती है ना, इंडिविजुअल पर्पस, कि हमारे स्वयं के लिए कुछ आता है हमारे अंदर, वो क्या है सब हम शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और कनेक्टिविटी को खत्म नहीं करना है, मतलब कभी आप सोचे बात करने के चक्कर में कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दें, ये मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि जब भी हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहे होंगे हम केवल और केवल मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, ध्यानस्थ अवस्था में ही बातें होंगी हमारी, क्योंकि पता लग जाएगा कि ध्यानस्थ नहीं है। जैसे ही शब्द बाहर निकलेंगे मुंह से, उनसे एक सेकंड में पता लग जाएगा कि हम कनेक्टेड हैं या नहीं है कनेक्टेड। और मेरे किसी को तो कोई ये आया? लग रहा है कि बिल्कुल शांति में ही हमको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो पिछले कुछ दिन से शून्यता सी स्थापित है अंदर और एकदम शांत, और बस जो भी कुछ हो रहा है उसको देख रही हूँ, और खिंचाव है हाथ में अभी भी मतलब, पर वो इजी हो गया है। पहले थोड़ा जैसे हाथ पे जब रोटेशन होता है एनर्जी का तो हल्का सा थोड़ा वो होता था अलग, पर अब इजी हो गया है काफी। थॉट्स कितने आ रहे हैं मैम, विचार? अब बहुत विचार नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विचार मेरे काफी खत्म ही हो गए हैं अभी कुछ दिन से, तो आगे का तो मैं राइट एट दिस मोमेंट, इसी वक्त किस प्रकार के विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे अभी। नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया। और किसी के हृदय में कुछ आ रहा है, बताते चले एक एक करके। अच्छा, नहीं आ रहा किसी के, और किसी के कुछ आ रहा है? चलिए एक दूसरा प्रश्न मेरा, अभी हम सब ये मेडिटेटिंग स्टेटस में यहाँ पे बैठे हैं जूम सेशंस में, ठीक है अभी चल रहा है सारा, जरा इधर की तरफ फोकस कीजिए कि मान लीजिए ये जूम सेशंस ना रहे, तब
अपने हृदय में फोकस करके देखिए कि अब ये जूम सेशन नहीं रहेंगे, तब कैसी स्थिति को महसूस करेंगे, हृदय बताएगा अभी। फिर रिपीट करूंगा, हृदय में अपनी चेतना को रखकर रियलाइज कीजिए कि जूम सेशंस नहीं होंगे, तब हमारी ग्रोथ किस प्रकार की होगी। तो आया कुछ? अपनी गहराइयों को पकड़ के ही रखेंगे, किसको? निरंतर पकड़ के ही रखेंगे अपनी गहराइयों को, उसी गहराई में चलते चलेंगे। और किसी के आया कुछ? भैया मेरे पूछिए को आप। ये कि हृदय संस्कार और इससे बियॉन्ड पार ब्रह्म परमेश्वर, बस ये कनेक्टिविटी चलती ही रहेगी, और इससे कोई मतलब ये सब असीमित जो भी ज्ञान है, ऊर्जा है, ये सब हमें मिलता रहेगा। इसको जो अभ्यास बना हुआ है हमारा, ये अब खत्म नहीं होगा, ये जो इतनी मेहनत की है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। यही मेरे भी हृदय में इसी टाइप से आया, लेकिन अंदर से एक आया कि पता नहीं उस टाइम तुरंत कैसे चीज को समाधान कैसे लाएंगे, बट इतना आया कि अभ्यास से आएगा। यही अभ्यास और समर्पण अंदर में श्री माता जी को करना, वही फिर ले जाएंगी, जो इसके बाद की जो स्थिति होगी श्री माता जी ले जाएंगी, क्योंकि अब तक भी वही ले जा रही थी निराकार में, तो अभी भी तो निराकार में, फिर आगे भी वही रास्ता दिखाएंगे। ये वाला है अंदर से कि श्री माता जी को समर्पण कर देना है, कि अब ऐसा अभ्यास क्या श्री माता जी, इसके आगे क्या, यहाँ तक तो लाया हूँ पता क्यों। और कोई? मुझे थोड़ा सा डिफरेंट आया, मुझे जैसे भीतर में एहसास हुआ कि मून सरफेस ऑफ मून है और मूनलाइट है। फिर मैं अंदर से पूछ रही थी कि इसका क्या मीनिंग है, तो ऐसे आया जैसे कि मून पे ग्रेविटी नहीं है पर मून पे लाइट है। आप अंदर से, मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे मूव ऑन करना चाहते हो। आप एस्ट्रोनॉट बन के भी जा सकते हो, रह सकते हो, और आप इसको खत्म भी कर सकते हो। तो ये वाली दोनों चीजें साथ में आई कि इट इज ऑन यू। मुझे टाइम लगा इसे समझने में। बहुत बढ़िया बताया तुमने भी, जो भी अंदर फीलिंग आई है। और कोई? भैया जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। भैया जी, कौन पहले? लेडीज फर्स्ट। यहाँ गीता बहन बोलिए। जो पहला प्रश्न था कि जूम के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, तो मेरे हाँ, अंदर से ये आया कि हम कनेक्टेड रहेंगे, बहुत बढ़िया, सभी हम वेरी गुड। कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रहेंगे। और जो स्थिति कैसी होगी, तो हम माँ से जुड़े हैं तो हमारी स्थिति में हमारी ग्रोथ होती रहेगी, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। बढ़िया। हाँ राकेश जी भैया, मेरे अंदर तो ये आया कि भैया जूम सेशंस ही तो नहीं होंगे ना। कोई बात नहीं, जो जूम में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो चित्त के लेवल पे कनेक्ट होकर तो कार्य कर ही सकते हैं ना। हमें जो कार्य श्री माता जी ने दिया है वो तो अपने को करना ही है ना। तो अपन आपस में कनेक्टेड होके किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी चीज पे, समस्या पे चित्त डालकर अपन सब मिलकर इस काम को तो करेंगे ना। तो कनेक्टेड स्टेट में तो रहेंगे ही रहेंगे ऑफकोर्स, लेकिन इस कलेक्टिव को भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे मानवता के हित के लिए, मानवता के उत्थान के लिए और अपने उत्थान के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और कोई? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जी मैम। भैया मेरे अंदर भी यही आया कि हम कनेक्टेड स्टेट में रहेंगे। अब हम सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, सूक्ष्म चेतनाओं से जुड़ चुके हैं, तो उनसे जुड़े रहेंगे और वर्टिकल ग्रोथ करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई अपने व्यूज प्रकट करना चाहे? जी मिनी बहन, कह रहे हैं। ये ना मुझे आपकी आवाज ना, मुझे लगता है आपकी तरफ सिग्नल की थोड़ी दिक्कत आ रही है। पूनम दीदी कुछ कहना चाह रहे थे आप? पूनम दीदी, और कोई शेयर करना चाहे इस बारे में? कुल मिला के नतीजा निकलता है कि कोई समस्या नहीं आएगी, राइट? पूनम दीदी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अच्छा, ऐसा लगा मुझे। आपका वो अनम्यूट हुआ ना, तो फिर मैंने को लगा कि शायद आप कुछ कहना चाह। नहीं, फोन आ गया था मेरा बीच में, अच्छा, मेरा हाँ मेरा बीच में फोन आ गया था बाहर से, यूएस से, तो इसलिए मैंने मैंने लिया और उनको मैंने बताया कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा मेरा मेडिटेशन हो रहा है, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू बैक, ओके ओके उसको ओके मैंने बोल दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो गई थी। ओके ओके दीदी, हाँ चलिए। तो और कोई बताना चाहेगा इस बारे में? अजीब फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है अगर मेरा मतलब रूम कनेक्शन नहीं होंगे तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं पहाड़ पे चल रही हूँ और मैं फिसल गई हूँ। ये नहीं होना चाहिए मीनाक्षी। अच्छा, होना नहीं चाहिए, एक ऐसा हुआ फील अभी कि मुझे जरूरत है अभी कलेक्टिविटी की, जूम सेशन की, अपने नहीं, आप वो को और तो कलेक्टिविटी तो चल ही रही है, लेकिन एक एक बात थी फोकस करके महसूस करने की कि हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम किस जगह खड़े हुए हैं, ये हमारा आंकलन करने की जरूरत थी हमें, इसलिए आज ये बात आई है। अभी तो चल ही रही है, जूम तो चल ही रहा है अभी, जी एंड थोड़ी होने वाला है, अभी तो नहीं होने जा रहा, जब होगा तो होगा। लेकिन मैं इससे एक चीज फील करने वाली बात है ना, कि भाई हम क्या इस पे डिपेंड करते हैं क्या? मेरा पर्पस ये है, क्या हम जूम पे डिपेंड करते हैं ग्रोथ के लिए? ये प्रश्न था मेरा बेसिकली। यस भैया, मैं करती हूँ, हाँ, भैया डिपेंड। अभी तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अभी कहीं चल चल तो रहा ही है अभी। मैं भी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब बीच 15 दिन में भी कलेक्टिव होती है तो हम स्ट्रीमलाइन रहते हैं, ग्रेविटी रहती है हम में, नहीं तो उड़ने लग जाएंगे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जूम जो है एक अभ्यास का, एक समझ लीजिए, एक सेटअप है। नहीं, सपोर्ट यू आर गेटिंग प्रैक्टिस। सिस्टम है, यस इट इज अ सपोर्ट सिस्टम दैट वी आर रीजेनरेटेड एवरी टाइम, बट अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैरी ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल ऑफ यू आर देयर, जूम इज देयर। इफ यू आर नॉट देयर, जूम इज नो वेयर। तो आप लोगों पे निर्भर करता है, पर हमें ये भी आंकलन करना चाहिए, किसी वजह से ये ना चले, कोई सामूहिकता ना भी चल पाए, तो क्या हम इस लेवल पे ग्रो कर चुके हैं कि हमें दिक्कत नहीं आएगी? एक इवेल्युएशन करने की जरूरत थी, एक असेसमेंट करने की जरूरत थी इस चीज को। भाई, इस एक पे मैं कुछ फैक्ट है ना, कहना एक चाहूंगी, एक ट्रुथ को स्वीकार करना पड़ेगा ना, कि कोई चीज सदा सनातन नहीं होती।
ये भी। हाँ और एक मैं ये ऐड करना चाह रही थी, जैसे आपने कोरोना के टाइम पे बताया था सेंटर्स भी बंद हो गए, हमें अंदर उतरना है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ। जूम, हाँ जूम के लिए भी यही है। पर अभी जब कभी ऑन एंड ऑफ नहीं होता है, और जब होता है तो हम डिफरेंस फील करते हैं थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट 10 डेज, वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। और जब नहीं होगा तो आप ही की चीजें फिर हमें याद आएंगी कि हमें ऐसे करना है या ऐसे जुड़ना है, तो तब हम उस पैटर्न पे फिर चलेंगे कि ये भी सनातन नहीं है, क्योंकि हम ग्रूम तो हो ही रहे हैं। आप में से कोई 100% इंडिपेंडेंट है जिसे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है ग्रो करने के लिए? तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा भाई। नहीं, हो सकते हैं, क्यों नहीं, बहुत लोग हो सकते हैं, क्योंकि सब शिमादाई पे डिपेंड करते हैं। जो शिमादाई पे डिपेंड करते हैं तो उनको जरूरत ही क्या है। जय हाँ प्राची, कुछ कह रही हो? माता जी। भैया भैया जैसी माता, ऐसा है ना कि मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी जिस चीज की जरूरत होगी, जैसे सपोर्ट की, वो मुझे चाहिए। जूम सेशन अगर नहीं भी रहे तो कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगी। मतलब ऐसा लॉस्ट वाली फीलिंग नहीं रहेगी, मतलब एक टाइप ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो में चलेंगे ऐसा। और फ्लो तो माँ ही देखते हैं, तो कुछ माँ माँ ऐसे फ्री फंड में नहीं देखते। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो माँ हाँ देखते हैं। हाँ, नहीं माँ भैया, अपने आप से इंटरेस्ट कुछ तो नहीं बहुत देखती। है। कभी आप हाँ सोचो कि माँ अपने आप देख लेंगे, कुछ नहीं होता अपने आप से वो। नहीं, अगर इंटरेस्ट तो आप, है भैया, और वो बना रहता है, मतलब ग्रो करने का, अपने आप को और समझने का, अंदर उतरने का, अपनी छोटी छोटी चीजें और ढूंढने की जहां से निकलनी है, ये सारी चीजें ना चलती रहती हैं। अब ऐसा हो रहा है कि लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो रही है, अब लाइफ को भी वैसे ही देख रहे हैं, मतलब सब अच्छा चल रहा है, मतलब चल रहा तो है। फिर एक काम कर सकते हैं आप सभी, मैं तो एक सजेस्ट कर रहा हूं, आप में से कुछ लोग यदि चाहें तो कुछ दिन जूम सेशन को महीने 2 महीने के लिए एकदम अटेंड ही ना करें, फिर देखें क्या स्थिति बनती है। अरे हेलो, आप में कहा भी मुझे पनिशमेंट तो करना ही नहीं अटेंड, 1 महीने तक नहीं करना, देखती हूं मैं कहां पे स्टैंड करती हूँ। ऐसा कर सकते हैं आप में से कुछ लोग टेस्ट करने के लिए, कोई बुराई नहीं है। होगा। ये सटल लेवल पे तो भैया जुड़े ही रहेंगे ना, ये तो फिजिकली नहीं रहेगी। हाँ, एक तो दैट जो इज बनी ओके। हुई है सटल वो तो बनी रहेगी। हाँ लेवल पे तो जुड़े ही रहेंगे, ये तो हम जानते हैं, मेंटली भी हम जानते हैं कि हम सटल लेवल पे जुड़े हुए हैं। और अगर हमारी चेतना एक दूसरे के साथ संपर्क में आती है तो कनेक्टिविटी फील भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर क्या हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें जूम की जरूरत नहीं भी है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए आप बिल्कुल ना अटेंड करें, फिर देखें कहाँ पे है। तो इससे पता लग जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी कि वाकई जूम की जरूरत है अभी या नहीं है। भाई आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे स्तर पे इंडिपेंडेंट होंगे आज भी, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे हो सकते हैं। और ये अच्छा साइन है, जिसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इट इज ए वेरी गुड साइन। क्योंकि जूम सेशन तो इस लेवल पे पहुंचाने के लिए ही तो बनाया गया था, इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए तो जूम ठीक सेशन का बनाया गया है ये, और इसका पर्पस तो कुछ और है ही नहीं ना। और एक दिन समय आएगा भी जब ऐसा लगेगा भाई ये वाली सामूहिकता नहीं मिलेगी, एक ऐसा भी होगा, एक दिन समय आएगा। तो इसके लिए टेस्ट किया जा सकता है, पता लग जाएगा। लेकिन भैया जब कभी होता है ना कि जूम सेशन हम अटेंड नहीं कर पाते किसी भी वजह से, कहीं गए हो या कहीं शादी में भी गए हो, कहीं फंक्शन पे भी गए हो, तो फिर भी वो कनेक्टिविटी बनी ही रहती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, कनेक्टिविटी बनी रहती है। वो हाँ जी, इसलिए बनी रहती है कि अभी लगता है कि जूम तो चलता ही रहेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो कि जूम है ही नहीं, अब है ही नहीं जूम, अब क्या करेंगे, अब कैसी फीलिंग आएगी। इसमें फोकस करके देखेंगे तो मजा आएगा, आपको पता लगेगा सही महीने में। लेकिन जो अच्छी अभी फीलिंग नहीं हमने आ ये रही। अवस्था पाई है भैया, वो तो हमेशा रहती ही है। रहती है तो ये अच्छी बात हाँ हो जी, गई। चलिए, आप में से कितने सारे लोग इंडिपेंडेंट लेवल पे हैं, तो यही तो इसका पर्पस था कि
कि भाई इंडिपेंडेंस की तरफ जो भी साधक साधिका हैं वो आगे की तरफ चलते चले जाएं। इट्स अ फीलिंग। ये तो एक वैसे ही हमने अपने अंदर झांक के देखा क्या हम इस स्थिति में हैं या नहीं है, ये वाली चीज देखने वाली बात थी। क्योंकि देखना तो चाहिए। जब हम ये भी देख चुके हैं कि हम भैया हमारा शरीर नहीं होगा तब हम कैसे जिएंगे, तो फिर इसे देखने में भी क्या हर्ज है। पिछली बार तो ये भी देखा है हम लोगों ने कि चलो शरीर भी जा रहा है हमारे सामने, फिर भी हमारी चेतना सरवाइव करेगी क्या? थोड़ी अजीब अजीब चीजें हैं ना इस जूम सेशन की। हमारे सहजी जो यूट्यूब देखते होंगे क्या यार पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई होता है क्या? श्री माता ही ने तो ऐसा कहा ही नहीं, करा ही नहीं। ठीक है उन्होंने नहीं करा ना, उन्होंने कहा अब हम कर रहे हैं हम लोग बैठ के, क्या हो गया? ये वो कहेंगे जो बिल्कुल नहीं करते, हैं? ये वो कहेंगे जो बिल्कुल नहीं करते, और जिन्हें पता ही नहीं वे कहेंगे कि कुछ उल जलूल बोल रहे हैं। यह है बात भाई। ये तो बात सही है। हाँ, और मेरा तो मेरे पर ज्यादा तो कुछ आता नहीं। जी मेरे अंदर तो यो आया, जब नहीं जो सेशन यो सेशन चलेगा तो बस हाँ मेरे पे तो मोटी मोटी सी एक बात है कि जी जैसा आपने कहा भाई, कुछ भी करो, घर में काम करो, कुछ भी करो, अपने सहस्रार पर रहो, हाँ अपने बिल्कुल अपने हृदय में रहो बिल्कुल बिल्कुल है। तो बस मुझे तो यो कोशिश रखनी है कि ज्यादा से सहस्रार पर रहो, हृदय में रहो है, और वो शिवांश के अंश बने रहो। बहुत बढ़िया। क्योंकि और 3 साल मेरे तो इतनी हमारे, इतनी तीन साल बुद्धि तो हो ही उसने गए नहीं हम पता। लोगों के चलते चलते, 3 ईयर्स बीत गए 3 साल। बस यो है बात भाई, हमारे पर तो इतनी सी बात। हाँ बिल्कुल ठीक है। 3 साल 1 महीना, मई का महीना चल रहा है, 15 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और आज 18 मई 2023 है, 3 साल 1 महीना पूरा हो गया। इतना लंबा चल गया, तो इसीलिए मैंने कहा चलो एक बार ये देख लें क्या कि भाई हमारी स्थितियां ठीक ठाक हैं या नहीं, नहीं। बहुत बहुत अच्छी है बात। बस मैं मेरी तो इतनी बुद्धि है, इतना सही मेरे पे है भाई। इसमें बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं, इसमें तो अनुभूति का काम है। अनुभव हाँ, जो होगा अनुभूति, वो बस बताए यो ना हमें। अनुभूति हुई, अनुभूति देखिए ना हमें यहाँ यही पे हुई मेरे पढ़ने तो की हृदय जरूरत, में कि जब नहीं कुछ पावेगा तो अपने सहस्रार में रहने की कोशिश करो हर समय, चाहे काम करो, कुछ करो, कहीं आओ कहीं जाओ, वहां रहने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज है हमें उससे अटैच नहीं होना चाहिए। अभी जूम की सामूहिकता है, हो रही है हो रही है, चल रही है चल रही है, पर इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि हाँ, लगा लगा सही इसके बात। बिना काम नहीं चल रहा। और वैसे भी जूम सेशन हफ्ते भर में एक बार होते हैं, 7 दिन तो नहीं है, तो बाकी के 6 दिन तो आप काम चलाते ही हो। और हाँ, कई बार जो होता है छुट्टी भी हो जाती है, तो 15 दिन नहीं होता तो 15 दिन भी काम चल ही जाता है। अच्छा चलो 15 दिन कैसा लगता है, मान लो कभी कभी 15 दिन वाला स्पेल हो जाता है कि नहीं हो पाया हफ्ते भर में, तब कैसा महसूस होता है? 15 डेज हो जाते हैं जब, कोई कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता कोई विशेष फर्क। जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बस एक काम करते हैं कि वो टाइमिंग जो जूम में मिला है हम लोगों को, ऐसे तो बैठक नहीं होती, पर वो टाइमिंग वो रख लिया है कि जूम लगे, जूम की मीटिंग हो नहीं हो, पर वो टाइमिंग में बैठना है, ये कर लेते हैं कि ताकि कनेक्ट फिर जुड़ सके। और मतलब वो एक सेटिंग। बिल्कुल भी नहीं लगता कि लाइव नहीं चल रहा है, ये देखा, ये लगता नहीं कि लाइव नहीं चल रहा है। बस ध्यान अगर 2-3 घंटा पूरा बैठती हूँ और मजे लेती हूँ, बस मजा आ जाता है। कई बहुत बढ़िया बार हुआ है, हम लोगों ने इसको शेयर भी किया है, हम लोगों को अच्छा लगा बैठ
बैठ के। अच्छा एक एक बार आपने कहा था कि सब ऐसे ही स्थिति, शायद बहुत तो 1 साल हो गया, तो वो उस टाइम से हम लोगों ने सीखा ये चीज कि अब हम लोग मौन की अवस्था में देखेंगे क्या आ रहा है अंदर से। बढ़िया बढ़िया। क्या अपने अंदर एक चीज और झांक के देख सकते हैं कि क्या हमारे अंदर अभी भी कोई किसी किस्म का अंदर संघर्ष चलता है? जरा ये भी चेक करें। अपने अपने अंदर हम सब उतरेंगे, चाहे आंख खोलो या बंद करो 5 मिनट के लिए। और इसमें 4:49 है। चलो 4 मिनट के लिए हम करते हैं, 4 मिनट्स के लिए अपने अंदर झांकेंगे। क्या किसी प्रकार का झगड़ा हमारे अंदर चल रहा है? कोई संघर्ष हमारी चेतना में उपस्थित है? चेक करें अपने अंदर। कुछ मिला अंदर? कोई झगड़ा, आंतरिक कुछ संघर्ष? भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, शांति और आनंद के सिवाय और अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत शांति आनंद गहराई, इसके सिवाय कुछ नहीं है अंदर, बहुत बढ़िया। सब सब अंदर देख लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं मिला, किसी कोने में कहीं नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ शांति आनंद, और आनंद में डूबने की चाहत बस, और किसी चीज की चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्यता। चलिए, और कोई किसी को कुछ अंदर मिला? जी भैया, मेरे को लगा कि डिवोशन, डेडिकेशन और सरेंडर के बाद अंदर कोई संघर्ष रहा ही नहीं, अब हम बिल्कुल पीसफुल हो गए हैं, मतलब सब कुछ हट गया। पर भैया एक चीज है कि जैसे अचानक कोई घटनाक्रम, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे कि आज ऐसे हुआ, सुबह चैतन्य का क्लोज फ्रेंड की भैया डेथ हो गई, तो 3 बजे तक इतना मतलब दुख लगता रहा, दर्द था अंदर, मतलब थोड़ा सा आंसू भी आए, और बार बार वही चीजें मतलब याद आती रही कि ऐसा हुआ, मैं सोचू मैं अटैच हूँ, मैं इससे डिटैच कैसे, मतलब ऐसी परिस्थिति में हम थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, नो डाउट, उसके बाद हम निकल आते हैं। आज जैसे ध्यान शुरू किया ना, तो
भैया आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा तो तभी मेरा उससे मैं डिटैच हूँ, तो वही आंसर मुझे है कि अब तुम पीसफुल हो जाओ, डिटैच हो जाओ उस थॉट से। ये स्वाभाविक है ना भैया, ये चीजें हाँ, अपने जो अपने भी थोड़ा घट अपने अपने चेतना के स्तर पे भी चीजें होती है ना, एक हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, हमारी अपनी चेतना की स्थिति। हाँ रमनी बहन, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी भैया, बाकी संघर्ष नहीं है, मतलब अब पहले हमें लगता होता था ना कि ये चीज अच्छी नहीं हुई, अब लगता है सब कुछ अच्छा ही होता है। बट दूसरा पहलू ये है, जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो हम हो ही जाते हैं इन्वॉल्व उन चीजों में। तो बस यही सुबह से सोच रही थी कि ये स्थिति कैसी थी मेरी, मतलब मैं अटैच थी उस वक्त, पर काफी टाइम तक अपने आप को संभाल नहीं पाते हम, ये सब जब चीजें सुनते हैं जिसको जानते हो प्यार करते हो। हाँ, लेकिन आ जाएगा इसमें भी और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, जिनसे हम जुड़े होते हैं तो उनका, जब वो संसार छोड़ते हैं तो थोड़ा कष्ट तो होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन कष्ट होना एक अलग चीज है, कष्ट में डूब जाना एक अलग चीज है। हाँ भाई कष्ट होना तो जी स्वाभाविक है, वो तो होना भी चाहिए। कोई आपके नजदीक था और वो नहीं रहा तो एक थोड़ा कष्ट तो महसूस होता ही है, होना भी चाहिए कष्ट। लेकिन कष्ट में डूबना, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे। अगर हम कष्टों में ही डूब जाते हैं तो फिर थोड़ा सा अभी उन्नति और होनी बाकी है आंतरिक चेतना स्तर पर। क्योंकि एक समाधान ये भी है ना कि सबको ही शरीर छोड़ के जाना तो है, और किसको कब जाना है ये कोई नहीं जानता, और इसका आयु से भी कोई संबंध नहीं है। कितनी आयु में जाना चाहिए, कितनी आयु में जाना नहीं चाहिए, ये सब कोई संबंध नहीं रखता है। जिसका समय आया है उसे जाना ही है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उन्नति वाला मैटर है, और हो जाएगा धीरे धीरे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। संघर्ष तो नहीं है, पर मेरे अंदर एक प्रश्न चल रहा है कि जैसे कुछ लोगों को अल्जाइमर हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, तो उनकी चेतना तो बिल्कुल विक्षिप्त हो चुकी होती है, तो वो जीवात्मा फिर भी 90, 92, 95 साल तक जिंदा रहती है, और तो उसके अंदर किस हिस्से पे, उसकी माँ कुंडलिनी पे और ब्रेन पे क्या हो रहा होता है उस टाइम पे? देखिए, एक बात समझने की है। जिस मानव ने ईश्वर से जुड़ने का अभ्यास नहीं बनाया अभ्यास, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी मार्ग से जुड़ा हो, तो समस्या तो है ही। बाद में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो छटपटाता ही रहता है इंसान अगर उसका अभ्यास नहीं है। ये बात तय है, क्योंकि मेडिटेशन को अपने अंदर उतारना, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारी स्वयं की क्षमता को विकसित करने के लिए है कि हम हर हाल में शांत और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जीवन चलता रहे बिना विचलित हुए। और अगर शुरू में अभ्यास नहीं बनाया तो एक उम्र के आने के बाद में अभ्यास होता ही नहीं, अभ्यास की क्षमता ही नहीं होती बुढ़ापे में बनाने की, बना ही नहीं सकता इंसान बाद में, क्षमता ही नहीं है किसी की जो बाद में अभ्यास बना ले ध्यान का। और बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अरे अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, अभी क्या जरूरत है ध्यान व्यान में उतरने की, ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं। तो जबकि ये बुढ़ापे की चीज है ही नहीं, बुढ़ापे में तो आदत ना, अभ्यास ना होने के कारण ध्यान लगेगा ही नहीं।
क्योंकि संसार की बुढ़ापा आते आते संसार की और भी बहुत ज्यादा चीजें लोड हो जाएंगी हमारी चेतना में, माइंड में इतनी सारी चीजें लोड हो जाएंगी कि बुढ़ापे में उस काल में 70 80 75 साल 90 साल अगर जीवित हैं तो उसमें इतने प्रकार की फालतू चीजें दौड़ेंगी अंदर, तो ध्यान का तो मतलब ही नहीं उठता। जिनका अभ्यास अभी बना हुआ है उनको ही बुढ़ापे में जाके आनंद आएगा या इसका लाभ उठा सकते हैं, वरना लाभ भी नहीं उठाया जा सकता। तो शिल्पा बहन बात यह है, अब मतलब उनके कुंडली उनके लिए कुछ भी नहीं हो पे और सकता। उनके जीवात्मा पे ब्रेन पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि जीवात्मा तो परेशान वो होगी। तो उनको भी पीड़ा हो रही है, उनको जो देखभाल कर रहे हैं वो लोग को भी पीड़ा होती है, मतलब उनको अपना सब कुछ सेक्रिफाइस करके वो लोग इतनी सेवा करते हैं। हाँ वो तो बात सही है, वो तो उनका अपना अपना है, वो सोचते हैं चलो भाई जिसकी स्थिति है हम उसकी सेवा करें, हम उसकी मदद करें, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवात्मा तो बहुत पीड़ित है, क्योंकि जिस मानव की जीवात्मा इस अवस्था में फंसी हुई है वो जीवात्मा इसलिए पीड़ित है कि उसे बड़ा दुख हो रहा है कि इस मानव ने अपनी चेतना को उन्नत किया ही नहीं, जिसके कारण मेरे को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवात्मा अगर अभ्यास नहीं किया तभी तो कष्ट है, अभ्यास किया होगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। अब इसके लिए उदाहरण अगर देखना चाहें, आप सभी लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थिति समय समय पे आती रहती है, तो आप खुद देखिए कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारा व्यवहार क्या होता है, आप अपने ऊपर देखें कि हम कैसे रहते हैं उस वक्त, तो इससे मृत्यु के समय का भी अंदाजा हो जाएगा। विपत्ति के काल में हमारी चेतना किस स्तर पे कार्य करती है, तो एक अनुभव हो जाएगा कि अभ्यास का परिणाम स्वरूप यदि हमारा अभ्यास अच्छा है इसके कारण ही तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं आसानी से, शांत हैं। अब जरा जिन्होंने अभ्यास किया ही नहीं और वो बूढ़े हो गए तो सोचो उनकी कितनी दुर्दशा होती होगी, बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं, बहुत बुरी तरह छटपटाते हैं, मतलब मैं देखा है मैंने, बहुत स्थिति खराब, बहुत स्थिति खराब होती है। हम जैसे लोगों को भी बहुत पीड़ा होती है लेकिन अब उसमें किया नहीं जा सकता कुछ, क्योंकि ये तो उसको खुद अर्जित करना था, जिसको तकलीफ हो रही है उसे खुद ही अर्जित करना था अपने जीवन में, पर उसने समय व्यर्थ कर दिया, तो अब कुछ कर नहीं सकते ना ऐसे में। बस एक काम कर सकते हैं हम अपनी चेतना को उनके हृदय से जोड़ सकते हैं, और हमारे हृदय में जो माँ ने परमेश्वर जी ने प्रेम दिया है हम उस प्रेम को उनके भीतर में चैनलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी डन उनके लिए, क्योंकि ये भी इसलिए है कि उनकी जीवात्मा को सपोर्ट देने के लिए, उनकी कुंडली को सहायता करने के लिए, जिससे आराम से शरीर त्याग पाए हो। अगर आप लोगों की चेतना और उनकी चित्त जो है और कुंडली जो है उसकी कुंडली को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी मृत्यु थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना पता लगा और साल निकल जाएंगे ऐसी पड़े पड़े, ये बेनिफिट तो होता है, लेकिन उसकी चेतना को विकसित नहीं किया जा सकता। आप मृत्यु के लिए चैतन्य देकर चित्त देकर आसानी तो कर सकते हैं, उसकी मृत्यु आसान हो जाए, लेकिन उसकी चेतना को उन्नत नहीं किया जा सकता। चेतना तो जीवित अवस्था में ध्यानस्थ रहकर जो चिंतन मनन किया जाता है तभी चेतना विकसित होती है, अन्यथा नहीं होती। आप बिना नागा 10 20 साल तक सुबह शाम ध्यान कीजिए, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उतना फर्क पड़ेगा कि आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, लेकिन जब तक आप चिंतन मनन करके समाधान नहीं लाएंगे अपनी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं हो सकता। 10 20 30 साल भी बेकार ही है, कुछ नहीं होता उससे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यानस्थ रहकर ही मुझे अब चार्ज करना भूल देखो गया, मैं बैटरी चार्ज करना लगाना भूल गया, कॉर्ड वो बंद हो गया एकदम लैपटॉप।
लगा वो ही हुआ होगा। हाँ ओ क्या, बहुत दिनों से तो बैटरी खराब हो रखी थी, निकाल रखी थी, अब मैंने लगाई है तो मैं ये भूल गया कि बैटरी में कनेक्ट करना था। खैर क्या बोल रहा था मैं, हाँ लास्ट मोमेंट पे अगर अभ्यास नहीं बनाया तो बहुत दुर्दशा होनी है। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि जब कोई विपत्ति आती है तो हम किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं, स्टेबल करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि ध्यान का बहुत बड़ा सहारा है स्टेबल करने में। ज्यादा समय नहीं लगता, फटाफट सब कुछ स्टेबल हो जाता है। तो जरा सोचिए, तो थोड़े से काल के लिए विपत्ति आने पर क्या होता है, अब मृत्यु काल आ गया और हमने अभ्यास किया नहीं तो क्या होगा, ये बात देखने की है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनकी कुंडली को सपोर्ट करने के, हृदय को थोड़ा मजबूत करने के लिए और कुंडली को सपोर्ट करने के लिए आप अटेंशन और अवेयरनेस के जरिए आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन चेतना को विकसित नहीं किया जा सकता। चेतना को विकसित करने के लिए आपको चिंतन मनन ध्यानस्थ अवस्था में निरंतर करना होगा, वरना चेतना उन्नत नहीं हो सकती। ना चेतना किताब पढ़ने से उत्पन्न होगी, उन्नत होगी, ना अच्छी अच्छी चीजें देखने से उन्नत होगी, ना सुनने से उन्नत होगी, ये खुद के उतर कर चिंतन मनन करने से उन्नत होगी, और कोई इसका तरीका नहीं है। क्योंकि तो हमें किसी को प्रूफ तो करना नहीं कुछ, ये तो हमारे खुद के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे खुद के लिए है, ये किसी अन्य के लिए तो है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सामूहिकता आपको मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, बात आई थी जूम के बिना भी कुछ बनेगी बात क्या, तो जूम की जो सामूहिकता आप लोगों को मदद तो करती है, बहुत बड़ी मदद मिलती है आपको। कोई कहे कैसे मदद मिलती है, हम तो अपने आप भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। जो सामूहिक ऊर्जा मिल रही है वो आपको और अपने भीतर उतरने में मदद कर रही है। उसकी जो शक्ति है सामूहिक ऊर्जा की, आपको अंदर उतारने में मदद कर रही है। हाँ ये बात भी सत्य है कि यदि आप स्वयं चाहें आप इस हद तक उन्नत हो सकते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार की सामूहिकता आवश्यकता ना हो, सामूहिकता की हो सकते हैं। तो अब कैसे जानेंगे हम उस अवस्था में हैं या नहीं, कोई बताएगा कि हम उस अवस्था में हैं या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि बिना सामूहिकता के भी हम उन्नत हो सके, कौन से ऐसे लक्षण होंगे, वो क्या लक्षण होंगे जिनको महसूस करके हम जान पाएंगे कि हम सक्षम हैं बिना सामूहिकता के उन्नत होने के लिए। हम अपने दैनिक जीवन में कितने अमन और आनंद में हैं इससे पता चल सकता है। और बिल्कुल सही बात कही जसलीन तुमने, इसका प्रमाण हमें हमारे दैनिक जीवन से चलेगा। क्योंकि हम कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें सामूहिकता में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर हम अंदर से उस अवस्था में ना हो, क्योंकि अच्छी बातें तो हमारे अंदर संचित हो चुकी बहुत सारी, और उन संचित बातों को हम शेयर कर सकते हैं अपने अंदर की, लेकिन असलियत तब पता लगेगी जब दैनिक जीवन में हमारे दैनिक व्यवहार के अंदर समझ में आएगा कि हम स्टेबल हैं या नहीं है। ये बात बहुत समझने की है और जसलीन ने बिल्कुल सही बात कही है। जब विपत्तियों से घिरे होंगे,
विपत्तियों से घिरे होंगे, तभी ये पता लगेगा कि हम हैं या नहीं इस स्थिति में। विपत्तियों पर एक चीज में। और पूछती, हाँ जैसे मैं अपनी लाइफ में एक चीज फील कर रही हूँ, एक दिन मैं थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ कि नहीं आता, आई टेक टाइम टू कंटेम्पलेट, बट देन फिर सेकेंड डे वो थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फिर थर्ड डे मैं बेटर होती हूँ, पर इमीडिएटली मानो कोई सेटबैक होता है या अचानक कोई चीज ऐसी आ जाती है जो विपरीत में है, उसमें हम ऐसे 100% पॉजिटिव नहीं होते, अरे बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, हालांकि बहुत विपरीत में होगी वो सिचुएशन, तो ये वाली फीलिंग भी नहीं आती, कंटेम्प्लेशन और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आती है वो। वही तो मैं कह रहा हूं कि बिना चिंतन के समाधान नहीं मिल सकता जिंदगी में कभी भी। अच्छा दूसरा क्या लक्षण है? एक लक्षण तो तुमने बताया जसलीन। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हो जाते हो ना, मैं अपनी लाइफ में तो ये चेंजेस फील कर रही हूँ। दूसरा और क्या लक्षण है कि हम खुद ग्रो कर सकते हैं? एक लक्षण बताया अभी तुमने, ये दूसरा लक्षण। इनर गाइडेंस थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, वो आपको गाइड भी कर रही है, वो हायर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होके ही तो हो पा रहा है, आप ऐसे कर हाँ लो या ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लक्षण क्या है हमारे दैनिक जीवन में इसके? आपका झगड़ा खत्म है, अंदर से भी संघर्ष खत्म हो गया, आप कर कुछ रहे हो और जी कुछ रहे हो, ये संघर्ष खत्म, और आपका लोगों से भी संघर्ष खत्म, जब आपको समझ में आता सामने वाला नहीं समझ पा रहा, वो स्थिति में नहीं है ना चेतना की ना आपकी बाहरी, तो आपका झगड़ा खत्म हो गया, तो अब सिर्फ बातचीत होती है, अगर सामने वाला समझने की स्थिति में है तो आप बता सकते हो, पर समझा नहीं सकते किसी को, तो वो चीजें आप पीस ओरिएंटेड हो गए, ये तुमने तो बहुत और अच्छी आप बात बताई। कहना सुनना भी किसी से कुछ नहीं होता, भले वो आपका जूनियर हो, कलीग हो या सीनियर हो या फैमिली मेंबर हो, बस आपको लगता है ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो, भले आपके फैमिली मेंबर्स हो, तो आप उनको ये बता देते हो, ये पैरामीटर्स है, ये चीजें करनी है, वो कर लेते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, और नहीं करते तो आप फिर समझ जाते हो कि आपसे कोई मतलब नहीं है, यही हाल आपके हेड के भी है कि भाई इस स्थिति में हम नहीं काम कर सकते, और हेड नहीं चेंज होता तो आप भी समझ जाते हो कि आप उनके पैरामीटर्स पे नहीं कर सकते, और आप हट जाते हो, आपके अंदर वो इंफीरियर वाली फीलिंग नहीं आती कि मेरी वैल्यू नहीं हुई, मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो सारा झगड़ा खत्म, आपको लगता है नहीं मैच हो रहा है, यू मूव ऑन, वो टाइम वेस्ट नहीं होता। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा कि झगड़ा कोई नहीं होगा। और मान लीजिए आप किसी के साथ हो या किसी के साथ रहते हो, आप मान लीजिए फैमिली मेंबर के साथ, दो तीन जने, हम दो चार जनों की फैमिली है, हम साथ में रहते हैं, तो उस अवस्था में क्या लक्षण ऐसे प्रकट होंगे उनके साथ रहते रहते भी कि हमें समझ में आ जाएगा भाई हम तो ग्रो तो कर ही रहे हैं बिना किसी सहायता के। मान लीजिए चेतना का ही असर, फैमिली मेंबर्स हैं आपके विरोध में बात कर रहे हैं, हमें इफेक्ट नहीं करता, अब जो एक स्थिति है। अच्छा हाँ बोलो 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 प्रियंका। अब जो स्थिति है वैसी चेतना लेवल पे ही, अब मुझे जूम सेशन के बाद यही सबसे बड़ी चीज मिली है माता जी ने, कि हम ये पता है कि हमारी जो चेतना है वो आत्मा से एकाकार है, पर इनकी नहीं है, ये हमेशा अंदर से नॉकिंग है कि हमारी चेतना आत्मा से एकाकारिता को प्राप्त कर चुकी, पर इनकी नहीं है, तो बस ठीक है, अब वो स्थिति नहीं है कि बहुत, मेरा तो बहुत रिएक्शन बहुत जल्दी होता था इस चीज में, किसी भी चीज में, कि आप किस लेवल पे कर रहे हो, मतलब आप सही नहीं हो, हमारा अब जो है रिएक्शन, या फिर कुछ कह भी सकते हो कि अब रिएक्शन या कुछ भी बात तभी होगी जब मेरी चेतना को नीचे उतारने की कोशिश होगी, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे दैनिक जीवन में इस चीज को ग्रहण कर लिया कि इस लेवल में नहीं है, तो वो दृष्टि है कि शायद मिले या फिर ना मिले इस जीवन में, पर
पर हमें तो मिला है तो दिखना चाहिए, व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। बढ़िया। हाँ ऐसा तुम कुछ कह मैं रही थी। ये बोल रही थी कि हम अगर हमारे घर कोई है या आसपास कुछ बोल रहा है तो हम उससे लिप्त नहीं होते, दैट मीन्स कि हम अटैच नहीं होते हैं, हम क्लियर होते हैं तो हमें कुछ इफेक्ट नहीं होता, और हमें पता होता है कि ठीक है ये सब चल रही है, मतलब वो हमारे कान में वो चीज सुनाई नहीं देती। पहले जिन बातों से हम लिप्त हो जाते थे वो बोलते थे तो हमें हम पे इफेक्ट होता था, तो वो इफेक्ट नहीं होता, हम सब में रहते हैं। तो आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोई बंदा कोई भीड़ में भी साधु एक जा रहा है तो हमें पता है कि वो अटैचमेंट नहीं है, वो दूर से ही उसकी एनर्जी चमकती है, वो हमें भीड़ में भी समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट है। तो लाइक हमें अटैच नहीं होते हैं इन बातों से, क्योंकि हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, हम स्थिर होते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई आपको बहुत प्रिय है और आप ग्रोथ के रास्ते पे चल ही रहे हो, आपको बहुत प्रिय है कोई, और उसकी बात आपको समझ नहीं आई, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? बात मतलब कौन सी बात, अच्छी बात या बुरी बात? नहीं, कोई भी बात है, बात से मेरा मतलब कोई भी बात है, आपको कोई बहुत अति प्रिय है और उसकी कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई भी बात। तो हम उसे सिर्फ प्रेम ही देंगे ना, क्योंकि उसकी बातें संसारिक से जुड़ी होगी और हम संसार से हटके मतलब संसारिक में होते हुए भी अटैच नहीं है, तो उसकी बातें हमारी बातें उसे समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारी एनर्जी उस पे वर्क तो करेगी ना, ताकि वो उन बातों को, क्योंकि वो संसारिक बातें ही करेंगे ना, क्योंकि उसे लिप्त है और उन्हें ज्ञान नहीं। तो जब मान लीजिए किसी आपके अजीज ने आपको कुछ कह दिया, मान लो अब एक दूसरी परिस्थिति है कि उसने आपको उल्टा कह दिया, कुछ आपको डिग्रेड कर दिया किसी बात से, तब आप क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे, जो कह रहा कह ले दो, चुप हो जाएंगे। मैं तो हाँ ये स्थिति आई है कि बहस नहीं होती, अब ये कम बहस नहीं करने का, शांत और मौन होने का। एक आपने बहुत सुंदर बात कही थी, वो ऐसे घूम के आ जाता है कभी कभी कि हम अपने बच्चे को कितना अच्छा वातावरण देते हैं कि अच्छे से उसका ग्रोथ हो, सब कुछ अच्छा कुछ मिले उसको, जो भी उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो क्यों ना हमारे आंतरिक जो स्थिति है, हमारे आंतरिक में ऐसा वातावरण रखें कि हमारी चेतना का दिन प्रतिदिन ग्रोथ ही हो, तो उसको उसमें कोई खलल ना पड़े, इसलिए हम दूर हटेंगे उस चीज से, बहस नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो भैया हमें बहुत प्रिय है, आंतरिक भैया मौन। और मान लीजिए कोई जैसे आप लोगों के साथ अभी अभी यहाँ पे कलेक्टिव होनी है, अभी हमारा 10th वर्कशॉप की कलेक्टिव होने जा रही है, ठीक है, आप बड़े उत्साह से आए आ रहे हैं, आप बड़े उत्साह से साथ में रहने जा रहे हैं एक दूसरे के, अब एक दूसरे के साथ रह रहे हो, आप कभी रहे नहीं साथ में, कभी किसी के साथ नहीं रहे, आपस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे, और ऐसी कंडीशन में कोई भी दूसरा साथी कुछ अलग तरीके का टेम्परामेंट है उसका, आपका टेम्परामेंट अलग है, तो ऐसी स्थिति में कैसे कोप अप करेंगे? और रहना एक ही कमरे में, बिस्तर भी एक ही है, तो पलंग भी एक ही है, कमरा भी एक ही है, कबर्ड भी हो सकता है एक ही हो, तो ऐसे में कैसे निभाएंगे? टेम्परामेंट तो अलग हो सकता है आप लोगों का, भले ही आप ग्रोथ के रास्ते पे चल रहे हो और अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से जीने के आदी हो, तो ऐसी अवस्था में कैसे जियोगे? एक भैया बहुत आनंद से जीवेंगे, सेकेंड, हाँ, एक एक करके बताइए, ये रमनी मैनू मैं आप बता रही बताइए हूँ। पहले।
हम जो पाने जा रहे हैं हमारा फोकस तो केवल उसी पर है ना, हमें चोटी दिख रही है कि हम उसकी चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं, तो ये चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा कि कौन कैसा कर रहा है। पक्का पक्का नहीं जाएगा? आर यू श्योर? हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि कई भैया जो तुमने भी आपने क्वेश्चन किया था ना कि घर में अगर कोई ऐसा हो, तो भैया अब दूसरों की चेतना का स्तर नजर आता है कि कोई अगर कोई गलत बात कह रहा है उसकी चेतना का स्तर जैसे इसकी वजह रिएक्शन करते, करने को दिल ही नहीं चाहता, जो अंदर शांति स्थापित हुई है ना, तो दिल ही नहीं करता कि किसी झगड़े में बनी सब आती रहे करती रहे, तो मान लीजिए, समाज में चलिए वो बात ठीक है, आपने ये बात तो समझ ली कि सबकी चेतना का स्तर अलग है। मान लीजिए किसी ने मैं कुछ कोई बोलूं बहुत उसके ही लिए, किसी ने कोई बहुत ही अप्रिय बात कह दी, अप्रिय से मतलब मैं कुछ जो हमें ठीक नहीं सर लगी। हाँ भैया मैं कुछ बोलूं इसके जी लिए, जी जी दीदी। रिएक्शन ही हाँ करेंगे, उसकी बात अच्छा भी सुनेंगे और अपनी बात भी उनको बोल देंगे, कह देंगे कि आपने ऐसे कहा, तो उसका हमने उसको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, असर होता ही नहीं है, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ हाँ नहीं यहाँ होगा। यहाँ यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए। जो अभी आपने बोला समझाने की कोशिश करें, यहाँ फंस गए। समझाने के लिए मतलब अपनी बात कह दूंगी कि हमें जो लगता है वो ये है और आपने जो कहा है उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, रिएक्शन नहीं है। यही वे बहन, यही वो ट्विस्ट है जिसको हमें समझना है, क्योंकि यहीं भी फंसते हैं हम हमेशा यहीं फंसते हैं। अच्छा इसने ऐसा कह दिया, क्यों? उसने तो अपने हिसाब से सही कहा, हमारे हिसाब से सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार थोड़े से अलग हो गए, दूसरे के संस्कार थोड़े से अलग हो गए, हमारे अंदर फट से क्वेश्चन आया और हमने लगा समझाने की कोशिश, वहीं 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 फंस जाते हैं हम। समझाने की जगह दो रास्ते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ अप्रिय कर दिया और आप अगर उसे समझाने चलोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कारों का प्रभाव है। अब कोई कहेगा भाई संस्कार तो हमारे हैं नहीं, कोई कहेगा हमारे तो संस्कार ऐसे नहीं रहे, है ना? अप्रिय लग क्यों रहा है? अप्रिय संस्कारों के कारण ही तो लग रहा है। भाई हमारे लिए एक संस्कार हमारे ये है कि भाई हम ऐसे हैं और ऐसे में हमें ऐसा अच्छा लगता है, ये संस्कार हो गया। लेकिन कोई दूसरा इंसान है, वो आपके जीवन को नहीं जीता, उसका अपना जीवन है, उसके मुताबिक उसके भी कोई ना कोई संस्कार है, उसके तहत आकर उसने कोई चीज बात प्रकट कर दी और हमें ठीक नहीं लगी। ठीक ना लगने में ही गड़बड़ है, और किसी ने अलग हटके कोई बात भी कर दी बिना ये देखे कि किसी को अप्रिय लग सकती है। अप्रिय बात करने वाले ने ये भी सोचने का कष्ट नहीं करा कि दूसरे को अप्रिय लग सकती है, तो दोनों संस्कारों से बाधित हैं, दोनों ही गड़बड़ हैं। क्योंकि अगर अगर दो जने हैं और वो जागरूक हैं तो निश्चित रूप से वो ये तो प्रयास करेंगे कि किसी दूसरे को हम कोई अप्रिय बात ना कहें या अप्रिय व्यवहार ना करें, ये प्रयास करेंगे दोनों। और किसी ने कर भी दिया है तो दूसरा उसको खराब नहीं लगेगा, उसको बुरा सा नहीं लगेगा। और फिर भी अगर थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा भिन्न व्यवहार कर दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए हमारी? क्या मतलब हमें करना चाहिए ऐसे में? कोई जवाब दे। हाँ मान लो हम भैया मैं शांति बोलूं प्रिय कुछ, हैं, हम शांति प्रिय हैं, और किसी ने कमरे में घुस के अपने जीवन में जैसे कोई जीता आ रहा है, जैसे सोता आ रहा है, जैसे बैठता आ रहा है, जनरली क्या होता है, हम सब लोग अपने अपने लाइफ में अपने अपने तरीके से जीते हैं। हमारे अलग तरीके के बेडरूम हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, बेडरूम का सेटअप अलग हो सकता है, बेडरूम में रहने सहने बैठने सोने का तरीका हमारा अलग हो सकता है थोड़ा सा। अब यहां पे हमें साथ में रहना है, दो भिन्न प्रकार के लोग साथ में रह रहे हैं,
तो ऐसी कंडीशन में कोई चीज यदि हम अपने ही जीवन के आधार पे जीने को तत्पर हैं, जैसे हम जीते आ रहे हैं हमें वैसे ही वातावरण चाहिए मान लो, तब ये हमें कोई चीज खराब लगेगी। यदि हम ब्लैंक हो जाएं, एम्प्टी रहें कि भी ठीक है पता नहीं कोई कैसा भी अपना तरीके से रह सकता है, तो जब भी हम अपने जीवन से अपनी स्टाइल से तुलना दूसरे की स्टाइल की करेंगे तो वहीं हम फंसेंगे, वहीं हमारी थोड़ी सी अज्ञानता नजर आएगी। ये अज्ञानता है हमारी कि हम अपने नजरिए से दूसरे को देख रहे हैं, यहां पे हमें बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है, तब ये समस्या नहीं होगी। और जो दूसरा व्यवहार करके वो ये सोच के व्यवहार कर रहा है, अरे भाई मैं तो ऐसे ही रहता हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो यहां पे वो भी गड़बड़ है थोड़ा सा। क्योंकि इतनी विवेकशीलता जरूर होनी चाहिए कि अगर वातावरण बदला है तो हमारी अपेक्षाएं भी बदल जानी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस भी बदल जानी चाहिए। हम अपने जैसा एग्जैक्टली व्यवहार दूसरे से उम्मीद ही ना करें कि दूसरा बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे हम हैं। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्लियर हो गया रमणी मैम? क्योंकि हो गया। एक उदाहरण हमारे जीवन में आया था डलहौजी में, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। मैंने कहा है ऐसा भी हो सकता है, चलो मैं कोई बात नहीं भाई, हमें तो शिक्षा मिलती है तो हम अगली बार उसका रास्ता निकालते हैं दूसरा। और यहां भी यही दिक्कत थी। अब मुझे पता नहीं कसोल का मुझे कुछ खास पता नहीं चला ऐसा कि कसोल में भी ऐसा कुछ हुआ था रहने सहने को लेकर, मुझे पता नहीं। अगर हुआ हो और आप में से किसी के साथ हुआ हो तो अब उसके लिए भी ये वाली बात है, क्योंकि जो चीजें हैं एक ओपन हार्टेडली हमें स्वीकार करना चाहिए, ओपन हार्टेडली। क्या स्वीकार करना चाहिए? कि दूसरा इंसान हमसे भिन्न है, वैसा नहीं है। तो यहां पे टिप्पणी अगर करने का हमारा दिल कर रहा है, मान लीजिए किसी पे हम टिप्पणी करने का दिल कर रहा है, कह नहीं रहे शर्म शर्म में, लेकिन टिप्पणी करने का दिल कर रहा है या अंदर टिप्पणियां आ रही हैं, बोल नहीं रहे बस, तो यहाँ गड़बड़ है हम अंदर से क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी है हमारी चेतना का स्तर थोड़ा सा अभी गड़बड़ है, छीण है अभी, ये बात अंडरस्टैंड करने की है। और एक और ऑप्शन है, एक दूसरा फेस, एक दूसरा स्वरूप देखते हैं। किसी ने आपके साथ में आपको कह दिया कुछ, अपने कंडीशनिंग के जीने के आधार पे आपको कुछ कह दिया, आप कुछ नहीं कह रहे लेकिन आपको कुछ कह दिया किसी ने, और आपने फिर आपने उसका क्या रास्ता निकालना है? जसलीन तुम बताओ क्या रास्ता निकालोगे? कुछ नहीं, मैचिंग ही नहीं है ना, तो मैं तो साइलेंट ही हो जाती हूँ समझ नहीं आ रहा सामने वाले का। मुझे लग रहा ना मैं इसके बात भी नहीं, वो समझेगा भी नहीं, और ना उसकी बात मुझे ठीक भी नहीं लग रही, मैं साइड हो जाती हूँ, साइलेंट हो जाती हूँ। भले सेम रूम में हूँ बट वो बंदा मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, वो अपना दिखेगा भी नहीं मुझे, ऐसा वाला स्टेटस हो जाता है इंटरनली। अनटिल एंड अनलेस वो मुझे आके कोई परेशान ना करे, मतलब जानबूझ के, फिर वो एक पैसिव हो जाता है वो व्यक्ति मेरे में। तो चलो ये तो तुमने कहा कि मैं साइलेंट हो जाती हूं, मैं एक्साइट हो जाती हूं, व्हाट अबाउट प्रेम भाव? प्रेम भाव रहेगा कि प्रेम वो भी भाव एनिश हो जाएगा? कोएग्जिस्ट करेंगे, कोएग्जिस्ट करते हैं। कोएग्जिस्ट करेंगे। हाँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, गुस्सा भी नहीं होगा, इग्नोरेंस भी नहीं होगी, और वो भी होगा कि सामने वाले को मेरी वजह से कंफर्टेबल में कोई दिक्कत, कंफर्ट में दिक्कत ना हो, वो एफर्ट तो रहेगा।
बट हाँ, मैचिंग ऑफ थॉट्स नहीं होगी तो आप साइलेंट हो जाओगे। आप ट्रेन में भी तो ऐसे ही जाते हो। अब हर बारी थोड़ी अच्छे को पाए और आपकी मैचिंग वेवलेंथ मिलती है, आप अपना कोना पकड़ के बैठे रहते हो। एंजॉय द जर्नी। यहाँ पर एक चीज है कि हम साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझ का अफेयर है तो हम साइलेंट हो गए। पर एक ट्विस्ट यहाँ भी है, यदि साइलेंट होने में हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति ये आ गया कि यार ये एवं ही है बस, यानी कि हमारे अंदर का प्रेम सूख गया, तो फिर हमारे अंदर गड़बड़ है। नहीं, ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से कोरिलेट करा था कि एक बार ऐसा हुआ था एक ट्रिप में, मतलब नॉट इन द वर्कशॉप्स बट एक मेडिटेशन का ही था। तो उसमें एक ऐसा था एक्सपीरियंस, तो फिर मैं अपना अपने मतलब मैं अपने मेडिटेशन में एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने साथ एंजॉय कर रही हूँ, पर मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, कोई थॉट भी नहीं आ रहा, ना अच्छा ना बुरा, बस ये वाला चीज हुआ। ये नहीं कि कैसा है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, बट मेरे साथ नहीं चल पा रहा ये वाली फीलिंग के साथ। मैं साइलेंट हो गई और अपने अंदर, तो मैंने उसी को कनेक्ट करके ही बताया कि और अब मुझे आफ्टर दिस ये चीज समझ आफ्टर में आती है। आफ्टर आफ्टर दिस समाधान यू गेट ए समाधान कि भाई ठीक है, मैं साइलेंट हो जाती हूं। क्या एक इसकी चर्चा आगे होगी कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था? पॉइंट की हाँ, बात है, नहीं, होती है आज या नहीं होती? होती है, होती तो है, बट ये पास्ट एक्सपीरियंस में मैं